असल आई एम बैक विद द ब्रांड न्यू वीडियो टू डे टॉपिक इज़ हाउ टू सिक्योर योर अमेजॉन अकाउंट भाई साहब आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली अच्छी हॉट सेल प्रोडक्ट डाली टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग बुलेट पॉइंट इमेज़ एडवर्टाइजमेंट हर चीज़ कर ली आपकी सेल परचेज भी अच्छी चल रही है लेकिन आपको यही नहीं पता कि भाई साहब अमेजोन के अकाउंट को सिक्योर कैसे रखना है उसकी अकाउंट हेल्थ नहीं गिनने देनी और क्या क्या ऐसे काम है जो हमने अमेजोन पर नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा परमानेंटली स्ट्राइक हो सकती है बैन हो, हो, हो सकता है ख़त्म हो सकता है रिमूव हो सकता है अकाउंट यहाँ तक कि रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं और हमारा काफ़ी निज़ाम ख़राब कर सकता है अमेजोन पे अकाउंट भाई साहब सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कोई ऐसी लिस्ट नहीं क्रिएट करनी कि जो फेक हो मतलब कि आपने वाटर बॉटल की एक एग्जाम्पल ले लें कि आप लिस्ट बनाई है ठीक है और आप सेल कुछ और कर रहे हैं या आपने ब्लू पेन की कोई लिस्टिंग क्रिएट किए ब्लू पेन की स्पेसिफिक वेरिएशन में आ जाता है रेड ब्लू ब्लैक वेरिएशन में आ जाते हैं तो आप कोई ब्लू पेन पर चेस करने आप उसे ब्लैक पेन भेज रहे हैं या कोई ब्लैक पेन लेने हैं आप रेड भेज रहे हैं ये आपने काम बिल्कुल नहीं करना जो लिस्टिंग आपने बनाई है जो आपने टाइटल में लिखा है जो आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया प्रोडक्ट के हवाले से आपने वही चीज़ अमेजोन तक और अमेजोन से कस्टमर तक सेंड करनी है इसके अलावा आपने कोई की और आपका पता चल गया अमेजोन को कि भाई साहब ये तो फेक चीज़ बेच रहे हैं आपकी खली वली अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन आ सकती है जो कि सिक्स थ्री टू सिक्स मेजर मंथ आपको लग सकते हैं अगर आप अपोलोजाइज uh, भी करें हालांकि अमेजोन इतनी कोई छूट नहीं देता अमेजन को जब पता चला कि भाई साहब ये रिस्ट्रिक्शन कर रहा है ये स्ट्राइक वगैरह दे रहा है तो भाई साहब आपका खली वाली अकाउंट गया ख़त्म ठीक है और एक लाइफ टाइम में एक आईडी कार्ड या एक पासपोर्ट पे एक दफ़ा ही अमेज़ोन का अकाउंट बनता है उसके बाद उसके अलावा नहीं बन सकता ठीक है दूसरा ये कि आपने आपके रिव्यूज़ ऐसे होने चाहिए कि कोई आपके प्रोडक्ट के आके बिस्ती ना करे या ये ना कहे कि भाई साहब ये तो फेक आइटम है मैंने मंगवाया कुछ था मुझे कुछ आया आपसे कोई आप, ऐसे कोई रिव्यूज़ में आके कोई बदतमीजी ना करे इस तरह की कि आप गलत प्रोडक्ट ना आप सेल करें ठीक है आपकी लिस्टिंग की वो हो सकती है स्ट्राइक हो सकती है आपके प्रोडक्ट की स्ट्राइक हो सकती है आपके जो अमेज़न के हेल्थ अकाउंट है वो डाउन हो सकती है सबसे मेन है कि आपने अपने अमेजोन की हेल्थ अकाउंट हेल्थ मेंटेन रखनी है ठीक है वो इसी से हो सकती है जो आपने चीज़ सेल करनी है वो आप सेल करें जो लिस्टिंग लगाई है वो आप सेल करें मेन मेन पॉइंट नहीं बस यही है कि आपकी शिपमेंट डिले नहीं होना चाहिए यानी कि आपने अगर आप एफ़ बी एम कर रहे हैं तो उसमें आपने कहा है कि दो दिन में या विदिन ट्वेंटी फोर आवर आपको मिल जाएगा पार्सल कस्टमर को और आपने कोई तीन दिन लगा दिए या कोई शादी का इवेंट आ गया आप उसमें बिजी हो गए कोई कोई इवेंट आ गया कोई मजबूरी बन गई तो आपने भाई डिले कर दिया तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक है आपके अकाउंट हेल्थ के लिए अमेजोन के लिए आपने किसी का असाइन नंबर नहीं चोरी करना किसी के गलत प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करके सेल करनी मीटू करने है तो उसमें भी ध्यान रखना है कि आप ब्रांड की मीटू नहीं कर सकते सबसे पहले तो आपको अप्रूवल नहीं मिली और अगर आपको गलती से अप्रूवल मिल भी गई और कल को आपसे इन्इस मांगी है अमेजोन ने कि भाई आपने जो इससे प्रोडक्ट लिया है अगर आपके पास इन्इस ना हुई फिर भी आपके खली वाली अकाउंट भाई साहब बहुत स्ट्रिक्टनेस है अमेजोन का एल्गोरिथम थोड़ा टफ़ है बाकी चीज़ों से लेकिन आपको केयरफुल होकर के चलना है आपने एहतियात से चलना है आपने उनकी इंस्ट्रक्शन माननी है आपने हर चीज़ ध्यान से करनी है कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं कोई अकाउंट जाने का खतरा नहीं कोई हेल्थ का इशू नहीं सिर्फ आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो लिस्ट पे हो वो आपने सेल करना है किसी का साइन नंबर चोरी नहीं करना किसी की या प्रोडक्ट यानी कि मीटू जाके नहीं करना अगर आपके पास इन्वॉइस नहीं है आजकल लोग कर लेते हैं लेकिन जब पकड़े जाएं फिर वो अकाउंट ख़राब हो जाता है सब कुछ ख़राब हो जाता है फिर वो फ़ायदा नहीं है तो ना ही कोई ऐसी गलत प्रोडक्ट सेल करनी है ना हार्मफुल प्रोडक्ट हो ना केमिकल्स में हो ठीक है और इस तरह की आपने चीज़ें नहीं सेल करनी ताकि आपका अकाउंट हेल्थ में मेंटेन रहे आप में कोई वो नेगेटिव फीडबैक ना आए ठीक है एवरीथिंग आपने शिपमेंट टाइम टू टाइम देनी है ठीक है अगर आप एफ बी एम हैं अगर आप एफ बी ए करते हैं आपने थोड़े से चार्जेस मिनिमम से चार्जेस टेन परसेंट लेता है प्रोडक्ट में से अमेजोन और वो पैक uh, भी करता है पिक पैक और डिलीवर सारा अमेजोन के खाते में हो जाते जब हम एफ़ बी ए कर देते लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि आपने भाई साहब अपने हेल्थ अकाउंट हेल्थ डाउन नहीं होने देनी ठीक है और उसे मेंटेन करने में भी काफ़ी दोबारा टाइम लग जाता है अगर आप छोटी सी भी गलती आपकी पकड़ी जाती है और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चांस नहीं दिया जाता लेकिन अगर दे दिया जाए तो वो काफ़ी एक ड्यूरेशन होती है कि कोई चीज़ अपनी स्ट्राइक वापस ले कोई ब्रांड अपनी स्ट्राइक वापस ले तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है और आपनी अमेज़ोन पर अपना फोकस टू फोकस काम करते रहना इस चीज़ से बचने के लिए आपको मैं टिप दूँगा कि आप ऑथेंटिक और रियल चीज़ें सेल करें पिक्चर्स आपकी ओरिजिनल हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो आपने चीज़ें डिस्क्राइब की है वो प्रोडक्ट के हवाले से हों और वो रियल चीज़ें हों और अपना खुद का बिल्डअप करें सोशल बिल्डअप करें आप ठीक है आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट करें और अच्छी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करें जो आपने सेल की हैं और कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें ना सेल करें या कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें ना करें यानी कि कुछ और लिख देना कुछ ऐसा वैसा जिसकी वजह से आपको कल कोई इशू फेक फेस आज की वीडियो का यही मकसद था कि आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई करा दे इसके हवाले से अमेजोन के थोड़े एल्गोरिथम अलग हैं इस वजह से एहतियात ज़रूरी हर काम में और अपनी वीडियो इधर ही वीडियो एंड करते हैं होप सो कि आपको समझ लग ही होगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपने ख्याल अल्लाह हाफिज़